वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में टाटा टिगोर XZ प्लस वेरिएंट को कंपेयर किया जाएगा होंडा अमेज S वेरिएंट से। इस वीडियो में इंजन, डायमेंशंस, कंफर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी, सर्विस सेंटर्स और प्राइस पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा। नंबर 1, इंजन। देखो गाइस, कंपटीशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, टिगोर के किसी भी वेरिएंट में डीजल ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ पेट्रोल को ही कंपेयर किया जाएगा अमेज के साथ। इंजन की बात करें तो टिगोर और अमेज में मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, लेकिन टिगोर में 3 सिलेंडर जबकि अमेज में 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अमेज में आपको एक बेहतर साइलेंट वाला इंजन देखने को मिलेगा। पावर आउटपुट की बात करें तो टिगोर का इंजन 84 BHP का पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि अमेज का इंजन 89 BHP का पावर और 110 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि टिगोर में आपको 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन अमेज में आपको ट्रू ऑटोमेटिक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो एक ट्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। माइलेज की बात करें तो टिगोर में 20.3 KMPL का, जबकि अमेज में 18.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब ओवरऑल अगर फास्ट पैरामीटर इंजन को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो अमेज का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इसके अलावा 4 सिलेंडर वाला है जो ज़्यादा साइलेंट है। इसके अलावा अमेज में आपको मैनुअल के साथ साथ ट्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CVT देखने को मिल जाता है। माइलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं, इसीलिए फास्ट पैरामीटर में मेरे हिसाब से अमेज इंजन के मामले में आगे निकल जाती है। नंबर 2, डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो टिगोर लेंथ में सिर्फ 2 mm कम है, ब्रेथ में 18 mm कम है, हाइट में 31 mm ज्यादा है, बूट में सिर्फ 1 लीटर का फर्क है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का इक्वल है, व्हील बेस में सिर्फ 30 mm कम है टिगोर अमेज से। लेकिन टायर साइज की बात करें तो टिगोर में मिलेगा R15 एलॉय व्हील्स, जबकि अमेज में मिलेगा R14 स्टील रिम्स विथ व्हील कवर्स। तो ओवरऑल डायमेंशंस के मामले में मेरे हिसाब से टिगोर आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा R14 एलॉय व्हील्स, जबकि अमेज में आपको सिर्फ R14 स्टील रिम्स देखने को मिलेगी, यानी कि 1 इंच छोटी साइज की टायर आपको अमेज में देखने को मिलेगी, लेकिन 1 इंच बड़ा R15 एलॉय व्हील्स आपको टिगोर में देखने को मिलेगा। इसलिए सेकेंड पैरामीटर डायमेंशंस के मामले में टिगोर आगे निकल जाती है। नंबर 3, कॉम्फर्ट फीचर्स। टाटा टिगोर XZ प्लस में कॉम्फर्ट फीचर्स के नाम पर मिलता है पावर स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, टिल्ट स्टीयरिंग, सीट लंबर सपोर्ट, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 7-speed इंटरमीटेंट फ्रंट वाइपर्स, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, रिमोट ट्रंक ओपनर, 7-inch टच स्क्रीन, एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार फ्रेम्स, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट और कीलेस एंट्री। जबकि होंडा अमेज S में मिलता है पावर स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार फ्रेम्स, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्यून म्यूजिक सिस्टम। तो ओवरऑल अगर थर्ड पैरामीटर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो अमेज के मुकाबले टिगोर में थोड़े ज्यादा कॉम्फर्ट फीचर्स मिल जाते हैं, इसीलिए थर्ड पैरामीटर में कॉम्फर्ट फीचर्स के मामले में टिगोर आगे निकल जाती है। नंबर 4, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी के बारे में बात करें तो टिगोर को ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और इस सेफ्टी को अचीव करने के लिए टिगोर XZ प्लस में मौजूद है ड्यूएल एयरबैग्स, ABS विद TBD, सेंटर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, टायर पंचर रिपेयर किट और पार्किंग सेंसर्स विथ पार्किंग कैमरा। जबकि होंडा अमेज भी एक सेफ गाड़ी है, ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में अमेज को भी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और इस सेफ्टी रेटिंग को अचीव करने के लिए
होंडा अमेज इस वेरिएंट में मौजूद है। डुअल एयरबैग्स, एबीएस टीबीडी, सेंट्रल लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ही सेडान्स में अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मौजूद है और दोनों को ही क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जो इनके सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है। इसीलिए सेफ्टी के मामले में दोनों ही कॉन्टेंडर्स आगे निकल जाती है। नंबर 5, वारंटी एंड सर्विस। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो टिगोर में मिलेगा 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी, जबकि होंडा अमेज में मिलेगा बेहतर 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, जबकि टिगोर के खरीदारी पर मिलेगा टाटा मोटर्स की बिग सर्विस नेटवर्क पूरे भारत वर्ष में, लेकिन होंडा अमेज के खरीदारी पर मिलेगा टाटा मोटर्स के मुकाबले बहुत ही छोटा सर्विस नेटवर्क होंडा मोटर्स की पूरे भारत वर्ष में, लेकिन होंडा में सर्विस क्वालिटी बेहतर मिलेगी टाटा मोटर्स के मुकाबले। अब 5th पैरामीटर, वारंटी और सर्विस सेंटर को अगर कंपेयर करें तो होंडा अमेज में मिलने वाली स्टैंडर्ड वारंटी और टाटा मोटर्स में मिलने वाली सर्विस सेंटर दोनों ही आगे निकल जाती है। नंबर 6, प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो टाटा टिगोर XZ प्लस मैनुअल वेरिएंट का एक्सोरम प्राइस है 7.21 लाख रुपए, जबकि होंडा अमेज एस मैनुअल वेरिएंट का एक्सोरम प्राइस है 7 लाख रुपए। इन दोनों में 21,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो टाटा टिगोर XZA प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट का एक्सोरम प्राइस है 7.73 लाख रुपए, जबकि होंडा अमेज एस ऑटोमेटिक CVT वेरिएंट का एक्सोरम प्राइस है 7.90 लाख रुपए। इन दोनों में 17,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब अगर लास्ट में प्राइस पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो अगर आप मैनुअल परचेस करना चाहते हो तो आप टाटा टिगोर XZ प्लस को परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो टिगोर को छोड़ दो, आप होंडा अमेज एस CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा ट्रू और बेहतर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें लैग देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप मैनुअल परचेस करना चाहते हो तो आप टाटा टिगोर के ऊपर जा सकते हो, लेकिन अगर ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो आप होंडा अमेज के ऊपर जा सकते हो, ट्रू और बेहतर ऑटोमेटिक आपको होंडा अमेज में मिलेगी। अब लास्ट में नंबर 7, कॉन्क्लूजन की बात करें तो कॉन्क्लूजन में भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप अगर मैनुअल परचेस करना चाहते हो तो आप टाटा टिगोर XZ प्लस को परचेस कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर वाला इंजन जो 84 BHP का पावर और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है, बेहतर कंफर्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा, बेहतर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा, ठीक ठाक स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगा और टाटा मोटर्स की सर्विस सेंटर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी पूरे भारत वर्ष में। अगर आप ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो आप होंडा अमेज एस वेरिएंट को परचेस कर सकते हो, जिसका एक्सोरूम प्राइस है 7.90 लाख रुपए। इसमें आपको मिलेगा एक बेहतर और साइलेंट इंजन 4 सिलेंडर वाला, 89 BHP का पावर और 110 Nm का टॉर्क। इसके अलावा आपको मिलेगा ठीक ठाक कम्फर्ट फीचर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, टाटा टिगोर से भी बेहतर स्टैंडर्ड वारंटी आपको होंडा अमेज में देखने को मिलेगी, लेकिन सर्विस सेंटर आपको टाटा के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलेगी होंडा मोटर्स में। इसीलिए अगर आप शहर में रहते हो जहाँ पर होंडा की सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल है तो आप होंडा अमेज CVT वेरिएंट को परचेस कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का कॉम्पिटिशन वीडियो। आई होप आपको ये कॉम्पिटिशन वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।